तो यहाँ पे चल रहा है खिचड़ी बनाने का काम साबुदाने की, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मेरा फास्ट रहता है, तो इन लोगों के लिए अलग से खाना बनाया है। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, रोटियाँ बन चुकी है, और ये हम मामा के गांव से लेके आए, ये कल खाने में था, उनके यहाँ की स्पेशल डिश है, इसे मालचे कहते हैं, तो ये थोड़े से हम लेके आए। कल है संक्रांत और हम सोच रहे हैं कि आज शाम को चले जाएंगे, पर शायद नहीं होगा, देखते अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को चले जाएंगे, मतलब पुणे के लिए निकल जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो कल सुबह सुबह निकलेंगे, ताकि फेस्टिवल है ना कल, तो हम कल सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक भी पहुंच गए, तो उसके बाद मैं खाना बना सकती हूँ, और जो पूजा करते हैं हम संक्रांति के लिए वो पूजा भी मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरी मम्मी का घर है, ये किचन पूरा फैला हुआ है, क्योंकि काम वाली भाई जो है बर्तन वगैरह क्लीन करने आती वो अभी तक आई नहीं है, और इस तरह से ऊपर की तरफ भी छोटा सा किचन है, और ये टेलीफोन क्वार्टर है, मतलब बीएसएनएल ऑफिस के क्वार्टर्स है, तो ये वहाँ पे मेरी मम्मी रहती है, जॉब करते हैं वो बीएसएनएल में, तो ये बीएसएनएल क्वार्टर है, इस वजह से ये भी पूरा पुराना वाला है। इस तरफ बाहर की तरफ गैलरी है, और बाकी पूरा खाली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जगह है, तो इस वजह से ये देखिए। लास्ट व्लॉग में मैंने शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे शेयर किया था, तो और हम भी अभी गांव के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पास में ही हमारा गांव है प्रॉपर, मतलब मेरे पापा का जो गांव है वो, तो वहाँ के लिए हम अभी निकलेंगे, खाना खाएंगे, और वो काम वाली अगर आती है तो वो सब क्लीनिंग वगैरह कर देगी, और फिर हम निकलेंगे, वो अगर थम बाबू, और अभी अगर वो नहीं आती तो दोपहर को तो मतलब आ ही जाएगी, तो सोच रहे कि वही के वही से थम ना बात, वही के वही से मेरी बहन के घर चले जाएंगे, और कल भी आप बदमाशी कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस वजह से आवाज़ कर रहे हैं, देखती हूँ प्लानिंग तो कुछ इतना फिक्स नहीं है, कल्प नको ना बाबू, और यहाँ से कुछ चीज़ें भी लेके जानी है, तो वो भी तैयारी करनी है। एक मनी प्लांट है मम्मी का, बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा मनी प्लांट है, तो वो मैं लेके जाने वाली हूँ, तो अभी उसको भी पैक करना है, कैसे लेके जाना है, और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पुराने ज़माने वाला फ़ोन, इसका मुझे बहुत क्रेज़ था कि मुझे ऐसे चाहिए, तो मम्मी ने कहीं से तो ढूंढ के निकाल के रखा इसको ऑफिस में से, और अभी हम इसको लेके जाने, लास्ट टाइम ही उसने लिया था, पर लास्ट टाइम मैं बस से आई थी ना, तो इस वजह से लेके नहीं जा पाई थी, ये और ये कल की गाड़ी है जो परसों शायद हमने ली थी, तो ये पुराने ज़माने वाला फ़ोन बहुत अच्छा है, मैं इसे एज अ शो पीस यूज़ करने वाली, इसका कलर शायद मैं चेंज करूँगी, पता नहीं, तो अभी तो हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी डांटेगी फिर, और फिर मैं आपसे बात करूँ। या मैंने या अजी गाओ तो हम लोग आ चुके हैं मेरे गांव में, मुखेड़ गांव का नाम है, तो वहां पे आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, और ये देवी का मंदिर है हमारे यहाँ का, मंदिर बंद है क्योंकि आज कोई नहीं, ये देखिए, तो हम लोग दर्शन करेंगे और फिर गांव में जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे शादियाँ होती है, तो ये जो जगह है यहाँ पर शादियाँ होती है गाँव की, इस तरह से, और ये यहाँ पे लड़कों के घर वालों के लिए जगह, मतलब इस तरफ लड़कियों के लिए जगह, ये ऐसा,
ये इमली कलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। इमली का पेड़ है बहुत बड़ा, लेकिन सब ऊपर है। पास पानी दिला श्री पतंग नहीं हुई वह पतंग बजू नहीं था। तो हम मेरे गांव से निकल चुके हैं। बहुत मतलब मेरे चचेरे वगैरह इस तरह से भी मतलब होते हैं ना, चाचा चचेरे चाचा इस तरह से। तो दो चार घरों में जाना पड़ा मुझे, तो वहाँ पे कैसे व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि गांव के लोग हैं, कंफर्टेबल भी नहीं है। और सबसे पहले तो मुझे उनको ये समझाना पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ। फ़ोटो वगैरह वो समझ सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने जितना पॉसिबल था उतना थोड़ा बहुत शूट किया। और अभी हम निकले हैं बहन के घर जाने के लिए, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी उसके घर जाएंगे। और फिर उसके घर पे आज हम रहने वाले हैं, रहने के लिए बुलाया उसने। फिर हम सुबह सुबह बहुत सुबह जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे, मतलब जितना हो सके जल्दी हमारे घर के लिए जाएंगे। और ये कल्प ने काइट लिया है और ये धागा लिया है मेरे गाँव से, तो उसको चाहिए था तो हमने भी दिलवाया। काइट तो टूट गया गाड़ी में रखते रखते ही, और ये है तो काइट हम देखेंगे, अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे ले लेंगे। और अभी वो शायद उड़ाएगा उसके भाई के साथ, मतलब मेरी बहन के लड़की के साथ। तो आज का प्रोग्राम जितना भी हमने डिसाइड किया था वैसे आराम से ही चल रहा है सब कुछ। तो अगर हुआ पॉसिबल तो मेरी बहन के घर में मैं शूट करूँगी, अगर हुआ पॉसिबल तो।